आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। गाजियाबाद पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अरमान की मौत के मामले में आईओ को बदलने का आदेश दिया तो वहीं मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। इस मौके पर अतिक्रमण को बर्दाश्त न करने की बात को कहा तो वहीं मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। तो वहीं डिप्टी सीएम निजी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर गाजियाबाद पहुँचे थे। पहाड़ों पर हो रही बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है तो वहीं लक्सरिया उत्तराखंड का तटबंध तेज बहाव के चलते टूट गया है। तो उत्तराखंड के दर्जन भर गांव और बिजनौर के गंगा किनारे के गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में प्रशासन कटान के लिए तैयारी कर रहा है। हरदोई में 80 वर्षीय बुजुर्ग अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाकर खुद के जिंदा होने की बात को कह रहा है तो जिम्मेदार अपने विवेक से इतना भी महसूस नहीं कर पा रहे कि ये बुजुर्ग जिंदा है या मुर्दा। दरअसल बुजुर्ग की सवा बीघा जमीन को उसके चचेरे भाइयों ने उसके कागजों में मृत दिखाकर बैनामा करा लिया, जिस पर अब बुजुर्ग खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। तो पुलिस ने बुजुर्ग को मदद का आश्वासन दिया है। एप्लीकेशन के द्वारा फोटो खींच करके व्हाट्सएप किया है और उनका फोटो भी उन्होंने व्हाट्सएप किया है। उनको अवगत कराया है कि अगर कोई भी जीवित है उसके जीवित रहने की दशा में उसकी वरासत नहीं हो सकती। इसी रूप से कुछ उसमें मुकलेबाजी की गई है, उसको जाँच करके कार्रवाई कराई जा रही है। मथुरा के इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई पेट में कीड़ा मारने की दवा खाने के बाद 2 दर्जन छात्र बीमार हो गए तो वहीं अचानक छात्रों के बीमार पड़ जाने से हड़कंप मच गया। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर छात्रों का उपचार कर उनको अस्पताल भेजा तो वहीं मामले की पड़ताल जारी है। मथुरा पुलिस ने 4 छात्र बदमाशों को हिरासत में लेकर उनके पास से छुरा, नशीला पदार्थ और तमंचा बरामद किया तो इन लोगों के पास से बाइक भी बरामद हुई। तो अभियुक्तों ने मार्ट में लूट की घटना को अंजाम दिया था तो अब पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी को जेल भेजा है। हाथरस में 5 दिन पूर्व हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया तो अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर युवक का शव बरामद किया तो मृतक के आरोपी की बहन से अवैध संबंध थे। भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें आयोजन का शुभारंभ समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री द्वारा हुआ। यह आयोजन महज औपचारिकता भरता तो यहां मंत्री जी ने रक्तदान नहीं किया तो महज विधायक जी ने यहां रक्तदान कर औपचारिकता की रस्म तोड़ी। बागपत के बड़ौत में आधा दर्जन बदमाशों ने एक वकील पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें आरोपी लूटपाट करके मौके से फरार हो गए तो पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की है। तो घटना में हथियारों के बल पर हजारों के माल पर हाथ साफ किया गया। बुलंदशहर में दूध से भरे टैंकर में आग लग गई तो लोगों में भगदड़ मच गई, जिस पर दमकल ने सूचना के आधार पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया तो मामला अनूप शहर के गंगा पुल का है। बुलंदशहर के बीबी नगर में युवक की दिनदहाड़े हत्या को अंजाम दिया गया, जिसमें हत्यारा मौके से फरार हो गया तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा तो मृतक के परिजनों की तहरीर पर 2 के खिलाफ नामजद तो 4 अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ है। सहारनपुर में जान जोखिम में डालकर मरीजों को उपचार कराना पड़ता है तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में इमारत जर्जर हो चुकी है। तो साथ ही बरसात में पानी छत से टपकता है तो ऐसे में कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। इसको ठीक कराने के लिए कई बार लिखा गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। घाघरा के तटवर्ती इलाकों में घाघरा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है तो यहाँ जल स्तर बढ़ने से नदी का कटान भी हो गया है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।